नमस्कार, जय हिंद। मैं अंकित मिश्र स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल एग्जाम तक पर। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता ही है कि इस समय हम मध्यकालीन इतिहास को कंटिन्यू किए हुए हैं और इसी क्रम में आज का हमारा यह नवा वीडियो है। दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में और यहाँ से जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं जो भी आपको इसमें याद करना है ये आपको आज बताया जाएगा। और इसकी पिछली क्लास में, इसकी आठवीं क्लास में हमने गयासुद्दीन तुगलक के बारे में और तुगलक वंश की उत्पत्ति के बारे में बताया था। उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन लाइन में मैं इसके पूरे प्लेलिस्ट की लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जाकर देख लीजिएगा। और आज की ये क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए इसी से अभी से ही इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए। और चलिए अब हम इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो आपको क्लासें हैं ये सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो सभी इसको देखेंगे। तो दोस्तों अगर मैं बात करूँ मोहम्मद बिन तुगलक की तो यह मध्यकालीन सभी सुल्तानों में, मध्यकाल में जो जितने भी मध्यकालीन इतिहास में जितने भी सुल्तान हुए थे उसमें ये क्या था आपका, सर्वाधिक मोहम्मद बिन जो तुगलक था ये सर्वाधिक शिक्षित विद्वान एवं योग्य व्यक्ति था। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि मध्यकालीन सभी सुल्तानों में जो मोहम्मद तुगलक था ये सर्वाधिक शिक्षित विद्वान एवं योग्य व्यक्ति था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। और मोहम्मद बिन तुगलक की दोस्तों बात करें तो यह अपने पिता गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के पश्चात मोहम्मद तुगलक जो था यह मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से 1325 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। तो ये भी पूछा था कि इसका शासनकाल कब से कब तक था, तो 1325 से लेकर 1351 ईस्वी तक था। याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है ये सन आपको याद रखना है। और पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो तुगलक वंश है ये जो दिल्ली सल्तनत पर जिन पांच वंशों ने शासन किया था उसमें सर्वाधिक समय तक शासनकाल आपका तुगलक वंश का ही था, 1320 ईस्वी से लेकर 1412 ईस्वी तक। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका है, इस बात को याद रखिएगा और इस डेट को भी याद रखिएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट आगे चलते दोस्तों कि इसी के समय में जो है उत्तरी अफ्रीका मोरक्को का एक अरब यात्री इब्न बतूता जो है ये 1333 ईस्वी में आया था। किस समय में, आपके मोहम्मद बिन तुगलक के समय। तो ये क्वेश्चन बहुत बार परीक्षा में पूछे गए हैं कि जो आपका कौन इब्न बतूता था ये किसके समय में भारत आया था, तो आपको बताना है कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। और ये पूछे कि कहाँ से आया था, तो उत्तरी अफ्रीका मोरक्को से आया था। तो याद रखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। दोस्तों जो आपका अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता था इसने ये कहा था कि जो गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद में स्वर्ण जड़ित ईंटों का एक महल बनवाया था जिसमें उसके अंदर एक आपका कुंड बनाकर उसे सोने से भर दिया था। तो ये कथन आपका इब्न बतूता का था। और पिछली क्लास में मैंने आपको बताया है कि जो तुगलकाबाद नगर है इसको गयासुद्दीन तुगलक ने बसाया था। चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ से हम चलेंगे आगे। यहाँ पर नेक्स्ट है कि इसके काल में अंतिम मंगोल आक्रमण तर्मासिरीन के नेतृत्व में हुआ। तो ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि किसके समय में अंतिम मंगोल आक्रमण हुआ था, तो आपको बताना है कि तुगलक वंश के दूसरे शासक मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आपके मंगोल का अंतिम आक्रमण हुआ था। और पिछली क्लास में मैंने आपको बताया कि अगर पूछे मंगोल आक्रमण के बारे में तो सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण आपके अलाउद्दीन खिलजी के समय में 6 मंगोल आक्रमण हुए थे और अंतिम मंगोल आक्रमण आपके मोहम्मद बिन तुगलक के काल में हुआ। ये भी क्वेश्चन पूछा था कि आपके अंतिम मंगोल आक्रमण का नेतृत्व किसने किया था, तो तर्मासिरीन ने किया था। इस नाम को याद रखिएगा, तर्मासिरीन ने किया था। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है और ये 1326 से 27 ईस्वी के बीच हुआ था। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, इस क्वेश्चन को आप याद रखेंगे। इसके बाद दोस्तों है कि जो आपके मोहम्मद बिन तुगलक था ये पहला ऐसा सुल्तान था जिसने हिंदुओं के प्रमुख त्यौहार आपकी होली में भाग लिया था। इस बात को याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। दोस्तों अब मोहम्मद तुगलक का ये कथन मैं आपको बताता हूँ। जो मोहम्मद तुगलक था ने अपने शासनकाल में निरंतर चलने वाले विद्रोह से हताश होकर कहा था कि मेरा साम्राज्य रुग्ण हो गया है और यह किसी उपचार से ठीक नहीं होता है। वैद्य सरदर्द ठीक करता है तो बुखार हो जाता है और अगर बुखार ठीक करने की कोशिश करता है तो कुछ और ही हो जाता है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि कितनी दिक्कतें थी मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, वह कितना परेशान था। दोस्तों मैंने आपको बताया कि जो मोहम्मद बिन तुगलक था ये सर्वाधिक शिक्षित एवं योग्य व्यक्ति था, लेकिन इसकी कई सारी योजनाएँ जो है विफल हो गई जिससे इसका जो नाम है ये अच्छे सुल्तानों में नहीं आ पाया। दोस्तों जो मोहम्मद बिन तुगलक था इसको ऐसे शासक के रूप में सबसे अधिक याद किया जाता है जिसने कई साहसपूर्ण प्रयोग किए, वो चाहे राजस्थानी परिवर्तन हो चाहे प्रतीक मुद्रा को जारी करना, ऐसे बहुत सारे इसने कार्य किए जिसके रूप में इसका जो योजनाएं थी वो सफल नहीं हो पाई। और जो दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक था ये धर्म और दर्शन का गहरा अध्ययन किया था, धर्म और दर्शन के विषय में इसने गहरा अध्ययन किया था तथा बहुत से विवेचनात्मक बुद्धि व खुले विचार वाला व्यक्ति था, इस बात को याद रखेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जो आपको एग्जाम तक चैनल है इस पर आपको हिंदी, साइंस, जीके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी आदि विषयों की विस्तृत तरीके से जानकारी दी जाती है, इसलिए आप एग्जाम तक चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए
और आपको डिस्क्रिप्शन लाइन में फेसबुक और टेलीग्राम ग्रुप की भी लिंक मिल जाएगी, जाकर वहाँ भी हमें आप फॉलो कर सकते हैं। और जितनी भी यूट्यूब क्लासेस हैं ये आपकी सारी क्लासेस फ्री हैं, इसलिए तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पर आपको इसी प्रकार से वीडियो लाए जाते हैं और आपको कई सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी कराए जाते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में आगे हम जानेंगे कि इसने जो है आपको अभी पीछे मैंने बताया कि कई साहसपूर्ण कार्य किए, तो उसने बताया कि राजधानी परिवर्तन। तो ये क्वेश्चन परीक्षा बार बार पूछा है कि जो आपका मोहम्मद बिन तुगलक था, इसने अपनी राजधानी जो है दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित की थी। कहाँ से आपकी जो दिल्ली थी, यहाँ से आपकी आपकी जो देवगिरी है इसमें स्थानांतरित की थी और उसका नाम दौलताबाद रखा। तो ये इसका एक महत्वपूर्ण कार्य है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी जो राजधानी है दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित किया और उसका नाम क्या रखा, आपका दौलताबाद रखा। दोस्तों जो मोहम्मद बिन तुगलक था ने दिल्ली से दौलताबाद तक एक सड़क बनवाई जिस पर यात्रियों की सुविधा के लिए जगह जगह सराय बनवाई गई थी, परंतु दिल्ली से दौलताबाद की दूरी आपकी 1500 किलोमीटर से भी अधिक थी, इसलिए जो इसका ये कदम था ये आपका विवादास्पद रहा, इस बात को याद रखेंगे। दोस्तों जो सुल्तान था इसने देवगिरी को द्वितीय राजधानी बनाना चाहता, किस लिए बनाना चाहता, ताकि वह दक्षिण भारत पर बेहतर नियंत्रण स्थापित कर सके। जो दक्षिण भारत है, जो दक्षिण भारत आपका इस प्रकार से दक्षिण भारत है, इस पर बेहतर नियंत्रण आपको स्थापित करते, इसलिए इसने दिल्ली से दौलताबाद में दूसरी आपको राजधानी बनाना चाहा। लेकिन ये इसका कदम जो था ये भी आपका क्या हुआ, आपका असफल रहा, क्योंकि दिल्ली से दौलताबाद की दूरी 1500 किलोमीटर थी, तो इस बात को याद रखेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसका जो नेक्स्ट कार्य है वह है कि इसने प्रतीक मुद्रा जारी किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने कांसे का सिक्का चलाया, किसका सिक्का चलाया, आपके कांसे का सिक्का चलाया, और जिसका जो मूल्य था ये चांदी की टंकी के बराबर था। मोहम्मद बिन तुगलक का दोस्तों ये जो अगला कदम था प्रतीक मुद्रा का, ये प्रचलन था आरंभ करना था, और 14वीं सदी में विश्व में चांदी की कमी हो गई थी। इसने क्यों चांदी के सिक्के के स्थान पर कांसे का सिक्का चलाया था, तो चांदी के सिक्के के स्थान पर कांसे का सिक्का क्यों चला था, क्योंकि 14वीं जो शताब्दी थी उसमें विश्व में चांदी की कमी हो गई थी, इस बात को याद रखेंगे। और इसके जो प्रतीक मुद्रा प्रचलन है, इसके इस आपके प्रयोग से पूर्व जो चीन का कुबलई खां था इसकी प्रतीक मुद्रा का प्रयोग सफलतापूर्वक कर चुका था। सन 1294 ईस्वी में काई कात नामक एक ईरानी शासक ने अपने देश में कागजी मुद्रा आपकी चान प्रचलित करने की कोशिश की थी। तो इन लोगों अगर अपने कार्य में सफल हुए तो इसने सोचा कि चांदी की कमी है तो मैं भी आपके कांसे के सिक्के का आपको प्रारंभ कर दूँ, चला दूँ। लेकिन इसका ये जो पूरा योजना थी ये आपके असफल हो गई। कारण क्या था, कारण था कि कांसे का जो सिक्का है इसको लोगों ने अपने घर में ही ढाल लिया, और बाद में सिक्के बहुत ज़्यादा प्रचलित हो गए, नकली सिक्के आ गए पूरे मार्केट में, जिसकी वजह से बाद में मोहम्मद बिन तुगलक को कांसे के सिक्के के बदले आपको चांदी के सिक्के देने पड़े, जिससे कि अपार उसको हानि हुई। चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए, तो उससे जितनी भी आपको इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं सारी आपको एक नोटबुक में लिखकर चलना है और इसको आप दोहराते रहेंगे, और जो पिछली क्लासें हैं उसको भी जाकर अवश्य देखेंगे, डिस्क्रिप्शन लाइन में आपको लिंक मिल जाएगी। इसके बाद देखेंगे कि इसके शासनकाल में दक्षिण में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना की थी। तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही दक्षिण में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने आपकी क्या की थी, आपकी विजयनगर की स्थापना की थी। पूछा जाता है कि विजयनगर की स्थापना किसने की, तो हरिहर एवं बुक्का ने की थी, और किसके समय में की थी, तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक के समय में कई सारे विद्रोह हुए, बंगाल में, मावर में, वारंगल में, कांपली में, पश्चिम बंगाल, अवध, गुजरात, सिंध में बहुत बार आक्रमण आपके क्या हुए कि विद्रोह हुए, जिसमें जो मोहम्मद बिन तुगलक था अवध, गुजरात और सिंध के विद्रोह को दबाने में इसने सफलता प्राप्त की थी। और आप इस बात को याद रखेंगे कि जो मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु भी आपको सिंध जाते समय हो गई थी, उसी में आपको विद्रोह को दबाने के चक्कर में, तो इस बात को याद रखेंगे कि इसकी मृत्यु जो है 1351 ईस्वी में सिंध जाते समय थट्टा के निकट गोडाल में हो गई थी। तो इस बात को याद रखेंगे, परीक्षा में बार पूछा गया है कि इसकी मृत्यु कहाँ हुई थी, तो सिंध जाते समय थट्टा के निकट गोडाल में हो गई थी, और कब हुई थी, तो 1351 ईस्वी में हुई थी। और इसका जो उत्तराधिकारी है ये फिरोज शाह तुगलक हुआ, और यह मोहम्मद बिन तुगलक का भतीजा था। फिरोज शाह तुगलक की बात करें तो इसका शासनकाल 1351 से लेकर 1388 ईस्वी तक था, और इसके बाद आपका सैयद वंश प्रारंभ होगा। तो कल के वीडियो में, जो कल वीडियो आएगा, उसमें हम आपके फिरोज शाह तुगलक के बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे, इसलिए तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे भी कल मैं इसका वीडियो डालूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और इसके जो नौ क्लासें हैं इसकी, जो अभी तक नौ क्लासें हैं मतलब इसको लेकर, उन क्लासों को देखना ना भूलिएगा। चलिए दोस्तों आज के लिए आपसे लेते हैं विदा, अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, मैं हूं अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं एग्जाम तक। धन्यवाद।